बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन को चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस टाइप के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले? नहीं तो आज के इस वीडियो में गाइस, मैं आपको इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सेंटेंस है गाइस, उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहन को चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो समझ लेते हैं गाइस, इसका सबसे पहले हम रूल कि इस टाइप के सेंटेंसेस को इस टाइप के सिचुएशन में आप कैसे बोलोगे इंग्लिश। गाइस, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस लव। लव गाइस, जैसे मान लो आप कोई चीज पसंद करते हो तो आप यूज करते हो लाइक का। लेकिन दोस्तों, कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तो आप वहां पे यूज करोगे लव का। यदि दोस्तों आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको यूज करना है लव। और यदि गाइस सब्जेक्ट आपका ही शी इट और कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, तो आपको लगाना है लव्स प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। समझते हैं गाइस एग्जांपल से। उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है उसे। यहाँ पे गाइस हम मानकर चलेंगे मेल, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। यदि दोस्तों आप मानोगे फीमेल तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा शी। तो यहाँ पे हम मानेंगे मेल, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ही। और ही है गाइस, तो आप क्या यूज करोगे? लव यूज करोगे या लव्स यूज करोगे? आप यूज करोगे लव्स। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहां आना, इट मींस कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही लव्स टू कम हेयर, इट मींस उसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस है, मेरी बहन को चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मेरी बहन, इट मींस माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब सब्जेक्ट दोस्तों आपका कैसा है? सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको लगाना है लव्स। इसके बाद आपको यूज करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है चाय बनाना, इट मींस मेक टी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, माय सिस्टर लव्स टू मेक टी, इट मींस मेरी बहन को चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस है, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मुझे, इट मींस आई, और आई के साथ गाइस यूज करना है लव। इसके बाद लगाना है टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बात करना, इट मींस टॉक। किससे बात करना? आपसे, टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई लव टू टॉक टू यू, इट मींस मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस है, वे लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वे लोगों, इट मींस दे। इसके बाद दे है सब्जेक्ट आपका, तो आपको लगाना है लव। प्लस रूल कहता है कि आप यूज करो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है क्रिकेट खेलना, इट मींस प्ले क्रिकेट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, दे लव टू प्ले क्रिकेट, इट मींस वे लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस है, हमें पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमें, इट मींस वी। वी के साथ लव यूज करोगे या लव्स? आप यूज करोगे लव, वी लव। इसके बाद आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है पार्क जाना, इट मींस गो टू पार्क। कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, वी लव टू गो टू पार्क।
इट मीन्स हमें पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू मीट यू। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू गो देयर। अगला है गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मानो या ना मानो वह यहाँ आएगी, मानो या ना मानो मैं वहां जाऊंगी, मानो या ना मानो वह मुझसे बात करेगी, मानो या ना मानो वह मुझे सब कुछ बताएगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी गाइस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो देख लेते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को इस टाइप के सिचुएशन में आप यूज कैसे करोगे इंग्लिश में। जैसे मान लो सेंटेंस है, मानो या ना मानो वह यहाँ आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे गाइस रूल। रूल सबसे पहले आपको यूज करना है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब सेंटेंस गाइस आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। क्लियर? मानो या ना मानो वह यहाँ आएगी। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको क्या यूज करना है, बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है, वह यहाँ आएगी। अब देखना है कि ये सेंटेंस आपका है कैसा। ये सेंटेंस है गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह यहाँ आएगी, इट मीन्स शी विल कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव इट और नॉट शी विल कम हियर, मानो या ना मानो वह यहाँ आएगी। अगला सेंटेंस है मानो या ना मानो आप पागल हो। तो सबसे पहले गाइस यूज करना है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। आपका सेंटेंस कैसा है गाइस, आपका सेंटेंस है स्टेट ऑफ बींग का। ये सेंटेंस है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बींग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बींग का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बींग। आप पागल हो, इट मीन्स यू आर मैड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव इट और नॉट यू आर मैड, मानो या ना मानो आप पागल हो। अगला सेंटेंस है मानो या ना मानो वह सब कुछ बताएगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। इसके बाद गाइस आपको लगाना है सेंटेंस, वह सब कुछ बताएगी। अब ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह सब कुछ बताएगी, इट मीन्स शी विल टेल एवरीथिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव इट और नॉट शी विल टेल एवरीथिंग, मानो या ना मानो वह सब कुछ बताएगी। अगला सेंटेंस है मानो या ना मानो मैं उसे नहीं जानती हूं। तो सबसे पहले यूज करना है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका गाइस कैसा है, मैं उसे नहीं जानती हूं। ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं उसे नहीं जानती हूं, इट मीन्स आई डोंट नो हर। यदि गाइस आप यहाँ पे मेल मानकर चलते तो आपका यहाँ पे आपको यूज करना होता हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव इट और नॉट आई डोंट नो हर, इट मीन्स मानो या ना मानो मैं उसे नहीं जानती हूँ। क्लियर? अगला सेंटेंस है मानो या ना मानो वह वहां थी। तो सबसे पहले यूज करना है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट।
इसके बाद लगाना है सेंटेंस, वह वहां थी। ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट स्टेट ऑफ बींग का। पास्ट स्टेट ऑफ बींग का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस स्टेट ऑफ बींग, वह वहां थी। इट मींस शी वाज देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव इट और नॉट शी वाज देयर, मानो या ना मानो वह वहां थी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।